इंसाफ की जरूरत है, दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ मैं, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोग को, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो ताकतवर है वही अपना ताकत दिखा रहा है। अरे हम लोग कमजोर आदमी किसके पास जाएगा, थाने के पास जाएगा ना। ये देखिए एप्लीकेशन है मोबाइल, हमारे पुश्तनी जमीन का लेकर है और जो हमारे जो बाबा के बड़े लड़के हैं और छोटे लड़के हैं और तो वो लोग पूरे रास्ते पे जमीन ले लिए, हम लोग को जमीन दे ही नहीं रास्ते पे चलने के लिए। और जो भी हम लोग जमीन खरीदे हुए हैं उसको भी लेकर सर मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और इसके बाद आज कोड़ने लगे तो उसके बाद हम खुद अपना दीवार टूट रहे थे तो उस पर उन लोगों ने आकर मारपीट स्टार्ट कर दिया। और इस मारपीट के लिए उन्होंने अपने सारे लड़के को बाहर से बुला रखा है सर। हम लोग पिछले संडे को हमने आवेदन दिया था अपने थाने में, प्राथमिक थाने में, सिसवन थाने में दिया था, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। उसको हमने एसपी के पास भी मेल किया है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। उसको लेकर चलते अंदेशा हमने जताया था, उससे कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज ये घटना सुबह में घट गई सर। अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग घायल अवस्था में हैं जी सर, और बुरी तरह से आप लोगों के साथ मारपीट की गई है जी सर। एक तरह से कहा जाए सर पर प्रहार किया गया है, एक साजिश और षड्यंत्र इसमें है क्या? जी सर, इसमें साजिश षड्यंत्र एक हफ्ता से चल रही है सर, जान से मारने की किसी का। हाँ ये तो भाग मनाइए कि सर गाँव के लोगों ने आया कुछ बीच बचाव कर दिया तब जाकर हम लोग आज जीवित है सर, नहीं तो हम लोग का क्या होता। स्थानीय थाना में आप लोगों ने कोई आवेदन दे करके ध्यान आपने आकृष्ट किया है कि नहीं थाना अध्यक्ष का? आज आवेदन दिया है और एक हफ्ता पहले भी आवेदन दिया था सर। पहले आपने आवेदन दिया था, उस आवेदन में आपने क्या लिखा था? उसने हम यही अंदेशा जताया था कि मारपीट करने के लिए आपने आदमी को बुला रहे हो, उनको जान से मारने के लिए बुला रहे हैं। तो अभी जिस तरह से आप लोगों के साथ मारपीट की गई है इसमें कौन कौन लोग हैं जो आप लोगों के साथ मारपीट किए हैं? जी रामानंद ओझा, शंकर ओझा, नीरज ओझा, धीरज ओझा, विवेक ओझा और आदित्य ओझा। तो यह मामला भूमि विवाद जी सर, तो जमीन को लेकर के आप लोग न्यायालय वगैरह में भी गए हैं, कोर्ट में गए हैं? अभी नहीं गए हैं सर, क्योंकि हमारा चलता था पहले से वो, हम लोग ऐसे भी किए थे, हमारे बाबा उसको प्रति करके गए थे, दस्तावेज बनाए गए थे, वो भी वो लोग नहीं मान रहे हैं सर। तो जमीन जो है कितना है, आपके पटीदार लोग हैं? जी जी जी, आपके मतलब खास पड़ोसी है, पटीदार है? जी खास पड़ोसी है। अच्छा जी सर, तो घटना को लेकर के आपने थाना को आपने सूचना दिया है कि नहीं? जी सर दिया है, आज भी दिया है और उस दिन भी दिया। थाना की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग सिवान सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं? जी सर। थोड़ा तस्वीर दिखाइए, बुरी तरह से लोग घायल हैं, सर पर जो है प्रहार किया गया है, जानलेवा है, वो लोग क्या कुछ रहे हैं इनसे जानते हैं, बताइए बताइए पूरा मामला क्या है बताइए। पूरा मामला वही है सर, हम लोगों का जान से मारने का सब प्लानिंग रच रहे थे। हाँ। पूरा गांव-गांव घूम के सब लोगों से कह रहे थे कि आ रहे हैं हमारे लड़के, हम सबको मार के भगाएंगे यहाँ से। घटना कितने बजे की है? घटना सुबह 6:20 की है। हमला करने वाले लोग अपने हाथों में क्या क्या लिए हुए थे? कुदाल लिए थे, रॉड लिए थे और कुदाल लिए थे, स्टील का रॉड लिए थे और हथियार हथियार लिए हुए थे सर। इसके पहले भी उस जमीन पर आप लोगों के साथ कोई विवाद हुआ है क्या? सर पहले भी बोए थे, 2 साल पहले था, उसका मकान नहीं बन रहा था तो हम लोगों ने सब एथी करके पंचायत पंच के मानने से हिसाब से अपना थोड़ा सा एथी करके दे के और उसको सेटलमेंट करा दिया तो उसका घर बन गया। अब उसका घर बन गया तो हम लोगों को चलने नहीं दे रहा। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो है घायल पक्ष के लोग हैं, पूरी तरह से घायल हुए हैं, एक बुजुर्ग आदमी है वो भी घायल हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए पूरा मामला क्या है बाबा? जमीन विवाद है, आधा रास्ता नहीं दे रहे हैं हम लोग। कितना जमीन है? कहां मारे हैं सर पे सर में सबको मार ही रहे थे। जान से मारने का पूरा प्रयास हुआ है, जान से मारने का पूरा प्रयास हुआ है। और आप लोगों को मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि सिसवन थाना में 10 दिन पहले एप्लीकेशन दिया गया था, क्योंकि हम लोग को ज्ञात था कि ये लोग बाहर से आएंगे और ये लोग मारेंगे ही, इस बात की पूरी जानकारी सिसवन थाना को दिया गया था। लेकिन सिसवन थाना को पैसा देके पूरा मुंह बंद कर दिया गया कि आप लोग इनके दरवाजे पर नहीं पहुंचिएगा। और ये सिसवन थाना की लापरवाही इतनी है कि आज मेरे सारे भाइयों को मारने का प्रयास किया गया है। देखिए सबको पूरी जिंदगी से जान से मारने की प्रयास किया गया है। और दूसरा बात, फिर अभी हम पहुंचे सिवान जिला, सिवान जिला में आज संडे है, सारे अधिकारी का ऑफिस बंद है, एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, मेरे पास वीडियो भी है, एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, एसपी ऑफिस के गार्ड वाले ने मुझे सिर्फ ये कह के भगाया कि बाबू आज संडे, आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब संडे है तो आज आदमी मर जाए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब देख लीजिए कानून व्यवस्था, न्याय के लिए कहाँ जाए कोई? अगर आपके पास कानून इसलिए होता है ताकि हर किसी को न्याय दिलाए, ये न्याय है? ये न्याय है? देखिए ये न्याय है? ये जान से मारने की साजिश है और अभी थाना हमारे
बच्चा है और उन लोगों को छोड़ रहा है। कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले एक छोटा सा विवाद हुआ था जिसमें वो लोग झूठ का एक FIR पता नहीं एक न्यूज में करवा दिए थे कि इनको सिसवन अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और थाना का जवाब दे ही मैं सिर्फ किसी से नहीं पूछूंगा, मैं इस सरकार से पूछूंगा कि ये इंसाफ, अगर ऐसा इंसाफ है तो बंद कीजिए कानून व्यवस्था, नहीं चाहिए कानून व्यवस्था। 10 दिन पहले हम लोगों ने थाना पर FIR करवाया था, कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। 20 तारीख को मेरा एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट छोड़ के हम लोग को जराना पड़ा। अब सोचिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस हम, आप जितने भी लोग हैं, अगर कानून व्यवस्था से जुड़े हैं आप लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जितने भी लोग हैं कि इंसाफ चाहिए मुझे, चाहे मुझे कोई भी दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन इंसाफ चाहिए। अगर ये इंसान, अगर कोई एक मर गया होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये सरकार होती? कौन सी सरकार है ये कि कानून व्यवस्था इतना दूर कर दिया है कि दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा है? ये सिर्फ पैसा है, जिसके पास पैसा है उसी का कानून है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इसका इंसाफ ऐसा दीजिए कि इन लोगों को लगना चाहिए कि कानून अभी भी जिंदा है बिहार में। प्लीज भाई लोग, जितना लोग हैं सब लोगों से आज विनती है, क्योंकि आज हमारे घर से अगर कोई अर्थी उठ जाता तो मैं इस सरकार को कभी माफ नहीं करता। आप देख लीजिए ये लोग, हालात देख लीजिए, ये मेरे बड़े पापा है, ये मेरे भाई है, इन लोगों को इतना मारा गया है बुरी तरीके से, रोड पे, रोड से मारा गया है सर पे कि ये लोग मर जाए, लेकिन फिर भी अभी तक थाना एक बार भी दरवाजे पर ये नहीं पहुंची कि इन लोगों से पूछे कि आप लोग का हाल क्या है। अभी सिवान के SP ऑफिस में वहां से मार के भगाया गया हमको, उसका वीडियो है हमारे पास, मैं आप लोग को सबमिट करूंगा वो वीडियो। बस इतना भगाया गया कि आज संडे है, कोई जान से भी मर जाए कोई सुनवाई नहीं होगा। अब इंसाफ आप लोग करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं भाई हूँ, विकास कुमार ओझा मेरा नाम है, ये मेरे बड़े भाई प्रकाश कुमार ओझा, ये मेरे मनीष कुमार ओझा और ये मेरे बड़े पापा है। गांव मेरा सुवही पड़ेगा, थाना सिसवन पड़ेगा। लेकिन प्लीज अगर SP महोदय चाहे, मजिस्ट्रेट महोदय चाहे, बिहार सरकार ये चाहे, वो कानून या जो इंसाफ के लाइन में खड़े हैं मेरे भाई सारे लोग, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग के अंदर इंसाफ मानवता होगा तो आप लोग हम लोग को बड़ी इंसाफ दिलाइए। इंसाफ की ज़रूरत है, दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ मैं, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोग को, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो ताकतवर है वही अपना ताकत दिखा रहा है, अरे हम लोग कमज़ोर आदमी किसके पास जाएगा? थाने के पास जाएगा ना। ये देखिए एप्लीकेशन, मेरा मोबाइल दीजिए, मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ आप, 10 का एप्लीकेशन है थाना का, वीडियो है मेरे पास कि हाँ सर हम लोग गए हैं थाना में। ये देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये एप्लीकेशन है थाना में दिया, सिसवन थाना में 10/7/2022 को कि सर हम लोग के घर पे घटना होने वाला है, मेरे दरवाजे के सामने ऐसा ऐसा कांड होने वाला है, आप लोग आइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये देखिए जमीनी विवाद में, ये देखिए ये लोग घर खोन रहे हैं हमारा, मार रहे हैं हम लोग को। ये देखिए मेरा बाप पैरालिसिस है, मेरे पापा पैरालिसिस है, अगर वो रहते नहीं होता, आज मेरे बाप पैरालिसिस है इसलिए मार रहे हैं। ये देखिए मेरे जमीन के आगे खोदा जा रहा है। मैं दिल से बोल रहा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अगर झूठ बोल रहा तो नहीं सपोर्ट कीजिएगा। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूँ, SP DSP चाहे जो भी DIG है उन सबसे अनुरोध करता हूँ मुझे इंसाफ मिले, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे चाहे जहाँ तक पहुँचना होगा मैं पहुँचूँगा, मैं रुकूँगा नहीं।